ओके गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काफी हॉट टॉपिक जिसको अब शायद खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, आप सही सोच रहे हो, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, ये वीडियो पूरी फैक्ट्स और करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ मैंने बनाई है, और जिससे आपको पता चलेगा कि क्या है टिकटॉक का फ्यूचर, और या हम कहें टिकटॉक वर्सेस YouTube का फ्यूचर। तो स्टार्ट करते वीडियो। ओके गाइस, दिस इज राहुल अग्निहोत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो गाइस सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो टिकटॉक वर्सेस YouTube की लड़ाई, जैसे कि हम सबको पता ही है, काफ़ी टाइम से चल रही है। काफ़ी टाइम से ये बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट मैं थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है लोग इसको लड़ाई क्यों कह रहे हैं। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने पहली भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था कि क्या है टिकटॉक और क्या है यूट्यूब, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो दोनों प्लेटफॉर्म अलग है, आप दोनों कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, बट कंपेयर हम क्या कर सकते हैं। आपको जैसे कि पता है, या अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जब ये लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, जब ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब आया भी नहीं था, तब टिकटॉक की प्ले स्टोर पे रेटिंग थी 4.6 और अब 1.2, या जब तक ये वीडियो रिलीज हो शायद 1 भी आ जाए, हु नोज। क्या ये होना चाहिए था? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये होना चाहिए था? एक 4.6 रेटिंग वाली ऐप इतनी जल्दी 1.2 या 1 हो सकती है? शायद लोग बोले कि यही होना चाहिए था, टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा कूड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा फालतू फन की ड्रामे, ये वो, कोई भी 15 मिनट 15 सेकंड की एक वीडियो से कोई नहीं सीख सकता। मैं मानता हूँ 15 सेकंड की वीडियो से कोई कुछ नहीं सीख सकता, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ये बात तो सबको पता है। बट द पॉइंट इज कि जैसे सारे मजहब सारे धर्म खराब नहीं होते, उसमें लोग धर्म के लोग मजहब के लोग खराब होते हैं, जो पूरे धर्म को बदनाम करते हैं वो बर्बाद कर देते हैं। वैसे ही कुछ टिकटॉकर जो इंडिया में, जो मैं समझता हूँ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, वो लोग टिकटॉक को बदनाम कर रहे हैं लिटरली। मैं भी टिकटॉक पे हूँ और मैं मोस्टली, या मैं ये कहूँ कि मैं सारे के सारे अमेरिकन यूरोपियन टिकटॉकर को ही फॉलो करता हूँ, और वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं लिटरली। दे आर मेकिंग वेरी गुड वीडियोज इन जस्ट 15 सेकेंड्स, बट हम लोगों को पता है कि इंडिया में ज़्यादातर टिकटॉक यूजर्स जो है वो गांव में है, रूरल एरिया। तो इसका मतलब मैं क्या समझूँ, वो लोग अपनी लाइफ हम लोगों को दिखा रहे हैं टिकटॉक के थ्रू। मैं जानता हूँ वो हम लोगों को पसंद नहीं आती है क्योंकि हम लोग अच्छे घरों में अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बट अब वो लोग भी क्या करें अगर उनके पास एक फ़ोन है, और थैंक्स टू जियो अगर उनके पास इंटरनेट भी है और उन लोगों ने टिकटॉक को एज अ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म अगर उन्होंने चुन लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, तो ठीक है। अब पहली बात तो ये आती है कि रूरल एरिया में जो लोग टिकटॉक बना रहे हैं उनको पसंद कौन करता है? उनको पसंद करते हैं उन्हीं के कम्युनिटी वाले लोग। हाँ, अगर मैं किसी गांव वाले की वीडियो देख रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को पसंद नहीं आएगी, मैं कहूँगा यार ये क्या कर रहा है। बट अगर वही वीडियो कोई और बंदा देखे जो अर्बन एरिया में है, जो रूरल एरिया से आया है, उसको लगेगा, वो कनेक्ट कर पाएगा ज़्यादा
ना कि मैं, तो यही बात है। और रही बात टिकटॉक यूजर्स की, तो टिकटॉक के यूजर्स जो है वो 500 मिलियन है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और मुझे ये बताते हुए बुरा नहीं लगेगा कि 130 मिलियन टिकटॉक यूजर्स इंडिया में है, मतलब ये ऑलमोस्ट यू नो 1/4 जो हमारे टिकटॉक यूजर्स हैं वो हमारे इंडिया में है। काफ़ी सारे जो यू नो और भी कंट्रीज हैं वो चाहती है कि टिकटॉक बैन हो जाए, बट अब टिकटॉक बैन नहीं हो सकता क्योंकि टिकटॉक की जो लोग हैं, टिकटॉक के जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग बेकार कंटेंट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, सारे अच्छा बना रहे हैं। अब रही बात कि टिकटॉक की ये जो दुर्दशा हो रही है, टिकटॉक की जो स्टेट आ चुकी है ये 1.2 रेटिंग वाली, इससे क्या होगा? अगर मैं फ्यूचर के हिसाब से सोचूं तो कुछ भी नहीं। आप टिकटॉक को 1000 गालियाँ लिखो, लाख गालियाँ लिखो, करोड़ों में गालियाँ लिखो, टिकटॉक पर कुछ नुकसान नहीं होगा जब तक एक प्रॉपर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता कि हाँ टिकटॉक बंद कर दो, टिकटॉक बैन कर दो, या कुछ ऐसी चीज़ होए जिससे लगे कि हाँ टिकटॉक इज़ नॉट फॉर अस, फॉर इंडियंस, तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे आप उसकी रेटिंग ज़ीरो भी कर दो, पता नहीं ज़ीरो होती है कि नहीं, अगर आप जितनी कम कर सकते हो कर दो, जितनी गालियाँ दे सकते हो दो, कुछ नहीं होगा। टिकटॉक पे यूज़र्स है, रहेंगे, और इन फ्यूचर जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी सारे रूरल एरियाज में अभी भी इंटरनेट आना बाकी है, जैसे कि हम सबको पता है काफ़ी सारी जो हमारी बिजनेस है, जो हमारे बिजनेसमैन है, जो या तो आप बात करो इंडिया में या फिर आप बात करो जो हमारे अब्रॉड में बैठे हैं फॉरनर्स, वो लोग क्यों सेटअप करना चाहते हैं इंडिया में, इंडिया के रूरल एरियाज को क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अभी काफ़ी सारे लोग जो है वो इंटरनेट से जुड़ेंगे और काफ़ी सारे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आएंगे, तो वो लोग इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया के इन लोगों पर फोकस करें। तो रही बात आप टिकटॉक बैन कर दोगे, आप टिकटॉक क्योंकि आप अनइंस्टॉल करके टिकटॉक को ख़त्म कर दोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हाँ, कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने अनइंस्टॉल करा है तो शायद आप फिर से इंस्टॉल ना करो, शायद आपके दोस्त इंस्टॉल ना करें, बट ऐसा नहीं है कि आपके एक अनइंस्टॉल करने से या आपके एक स्टार देने से और कुछ गालियां लिखने से टिकटॉक पर कुछ होगा। टिकटॉक बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है, और अगर हम यूज़र्स की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो इंस्टाग्राम के यूज़र्स को भी सरपास करने वाला है कुछ ही टाइम में। और अगर मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ तो टिकटॉक पर बहुत अच्छा बिजनेस है। हाँ, ये इन फ्यूचर आने वाली टाइम की मैं बात बता रहा हूँ और ये सच है। टिकटॉक को अगर किसी ने ग्रैब कर लिया, अगर अभी आज के टाइम में किसी ने क्रैक कर लिया कि हाँ उसने बहुत अच्छी ऑडियंस ग्रैब कर ली और उसने उस ऑडियंस के साथ साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अगर उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने ऑडियंस ग्रैब कर ली, तो वो अगला मिलियनेयर, अगला मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, और अगर आप बाहर की बात करें तो बाहर में। हाँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कुछ साल रुको, कुछ साल भी नहीं, 2022 तक जो हमारे इंडिया के फ़ोन यूज़र्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल होने वाले हैं। डबल का मेरा मतलब है, डबल से मेरा मतलब है कि काफ़ी सारे फ़ोन लोग खरीदेंगे, काफ़ी सारे इंटरनेट यूज़र्स आएंगे, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे इंटरनेट से जुड़ेंगे, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे, यानी
और स्कोप बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हो एक बहुत बढ़िया डिजिटल, क्योंकि सबको पता है कि हमारा जो फ्यूचर है बिजनेस में वो डिजिटल ही है, जैसे कि अभी भी चल गया है डिजिटल, अभी भी बहुत बढ़िया बूम पर है, बट जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग फालतू के टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, मैं जानता हूँ कि टिकटॉक की एल्गोरिथम ऐसी है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो शायद उसको ज़्यादा लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, ज़्यादा शेयर नहीं करते, इसलिए लोग फालतू की उटपटांग हरकतें करते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ अभी और कुछ साल बाद ये देख लेना ये सच होने वाली जो मैं अभी बात बता रहा हूँ, अगर आप कुछ टाइम कंसिस्टेंट रहेंगे आप डेफिनेटली बहुत बड़ी ऑडियंस ग्रैब करोगे। और अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप बहुत आराम से एक बहुत बढ़िया बिजनेस, तो आप बहुत बढ़िया बिजनेस सेट कर सकते हो और आप बहुत आराम से पैसे कमा सकते हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप फालतू का कंटेंट बनाना बंद करो हर जगह, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी हो, अच्छा कंटेंट डालो जो आपको पसंद आए, अपनी नीश पर बहुत ध्यान दो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि आप अगर आप किसी चीज़ में भी अच्छे हो, आप छोटी से छोटी चीज़ में अगर आप अच्छे हो ना, तो उसके व्यूअर्स, उसके आराम से बहुत ज़्यादा व्यूअर्स बैठे हैं आपकी वीडियोस देखने के लिए। बट शर्त यह है कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा बनाना है, फालतू का उटपटांग लड़कियों के कपड़े वपड़े पहन के वीडियोस नहीं बनानी है। अगर आप ये बात समझ जाते हो, अगर आप ये फ्यूचर की बात समझ जाते हो, तो बहुत आराम से आप ग्रैब कर सकते हो जो अपॉर्चुनिटी जो मेरे को दिख रही है, काफ़ी सारे और लोगों को दिख रही है और वो कर भी रहे आराम से। तो ये थी मेरी एक वीडियो कि क्या टिकटॉक बैन होगा, उसका मेरा आंसर है नहीं। क्या टिकटॉक का फ्यूचर ख़त्म होगा, उसका भी मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि टिकटॉक एक अच्छी ऐप नहीं है, अभी तक तो कुछ लोगों की वजह से हाँ, बट कुछ लोगों की वजह से बिल्कुल नहीं। तो ये थी मेरी एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियोस, जो मैं अभी देख रहा हूँ कि लोग फालतू की अजम्पशंस बना रहे हैं, जो फालतू अब लोग लीक कर रहे हैं, ये वीडियो लीक कर दी, चैट लीक कर दी, ऑडियो लीक कर दी, ये सब फालतू की चीज़ें, ये सब मतलब फालतू की चीज़ें, मैं समझ नहीं पा रहा लोग देख भी क्यों रहे हैं। उन लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि वो लोग क्या मिस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ये बिजनेस प्लान पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे होम, मिलते हैं।